जब तक मैं जिंदा हूँ आपके घर को आँच नहीं। ये जमीन महाराष्ट्र सरकार की है, क्या हम एक भी झोपड़ा तोड़ने नहीं गए। महेश जाबुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। रेलवे द्वारा नोटिस मिलने के बाद मुंब्रा के शाहू नगर में रहने वाले तमाम लोगों को आज मुंबई स्थित डीआरएम ऑफिस में बुलाया गया था। आपको बता दें, इन सभी लोगों को रेलवे ने कुछ दिन पहले ही नोटिस दिया था और नोटिस में ये कहा गया था कि 11 मार्च से पहले ही अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर सभी लोग मुंबई स्थित डीआरएम ऑफिस पहुँचे, जिसके बाद आज गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र अवहाट के आदेश पर कलबा मुंब्रा विधानसभा एनसीपी पार्टी के अध्यक्ष शमीम खान, अपने कार्यकर्ता बबलू शेमना, अप्पाराम आरिफ और तमाम अन्य कार्यकर्ताओं के साथ एक बस में साहू नगर के रहने वाले तमाम लोगों को, जिन्हें नोटिस मिला था, इन सभी लोगों को लेकर मुंबई स्थित डीआरएम ऑफिस पहुंचे। वहां पर खुद मंत्री जितेंद्र अवहाट मौजूद थे और मंत्री जितेंद्र अवहाट ने खुद डीआरएम शलभ गोयल से मुलाकात की और लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखाए। और मीडिया से बात करते हुए खुद मंत्री जितेंद्र अवहाट ने बताया कि ये जमीन जहां लोग रह रहे हैं वो रेलवे की जमीन नहीं है, बल्कि मंत्री जितेंद्र अवहाट ने कहा है कि ये जमीन महाराष्ट्र सरकार की है और इन लोगों के पास 712 के पेपर्स भी मौजूद हैं। मंत्री जितेंद्र अवहाट ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जितने लोगों को रेलवे के तरफ से नोटिस दिया गया है, इनमें से किसी का भी घर वो टूटने नहीं देंगे। कोई चिंता मत करो, जब तक मैं जिंदा हूँ आपके घर को आँच नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और सब डीआरएम ऑफिस में मीटिंग हुई है सर, क्या डीआरएम को मैंने ये एक चीज़ बताई है कि ये ज़मीन उनकी नहीं है, ये ज़मीन महाराष्ट्र सरकार की है और महाराष्ट्र सरकार की ज़मीन के ऊपर रेलवे दावा नहीं बोल सकती। सर फिर भी उन्हें नोटिस दिया जा रहा है, देखेंगे। नोटिस दे दिया होगा, उन्होंने ज़मीन की जानकारी नहीं है। अब हम इनको तो सामने करेंगे ही नहीं, हम खुद सामने जाएंगे कि हमारे सरकार की जगह है। कल मैंने अधिवेशन में कहा कि हम एक भी झोपड़ा तोड़ने नहीं गए। शमीम भाई, डिविजनल रेलवे मैनेजर के कार्यालय में आप आए हैं सभी को लेके, मैंने कही यहाँ के महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र अवहाट भी साथ में मौजूद थे, अंदर क्या डिसीजन लिया गया? अवहाट साहब ने कहा कि एक भी कदम तोड़ने नहीं देंगे, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बताना चाहता हूं मैं आपसे कि आज हम लोग इस वक्त मुंबई वीटी रेलवे स्टेशन में खड़े हैं, जहां पे डीआरएम साहब से हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवहाट साहब ने हम लोगों ने मुलाकात किया। जो नोटिस दो बार दी गई थी शाहूजी नगर को लेकर के, तो उसको लेकर के हमारे वहाँ के मुकामी, हमारे मुंब्रा के ब्लॉक प्रेसिडेंट बबलू शिमना, महबूब भाई, आरिफ और तमाम वहाँ के मुकामी लोग आए हुए हैं। मंत्री जी ने डीआरएम साहब से बात किया और मैंने एक बात कहा, बॉस को बताया मैंने, मैंने कहा साहब ये 712 है, आप दिखाओ आपके माध्यम से, इसमें लिखा हुआ है महाराष्ट्र शासन। तो महाराष्ट्र शासन है तो ये जगह तो रेलवे की हुई नहीं, आप दिखा दीजिए आपके माध्यम से। ये जब इनके पास ये 712 है, आप बता दो 1985 का 1985 की ये घर पट्टी है तो कैसे तोड़ेंगे उसको लोग। मिनिस्टर साहब ने उनको वही बात कहा और डीआरएम साहब ने उनकी बातों को सम्मान दिया और उन्होंने भी कहा कि हम साहब तोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपके जो डॉक्यूमेंटेशन लाए हैं उसको आप जो है यहाँ जमा करा दो। तो अभी हम लोग कंसल्ट अधिकारी से मिलेंगे और हम लोग सब लोगों का डॉक्यूमेंट लेकर के आए हैं, ला करके वहाँ जमा कराएंगे। हम ये उम्मीद करते हैं, डीआरएम साहब ने बहुत अच्छा मंत्री जी से बातचीत किया है, अच्छा आश्वासन दिया है और मंत्री जी ने भी कहा है कि अगर जगह महाराष्ट्र शासन की है तो कैसे टूट सकती हो। तो अल्लाह ने चाहा तो ऐसा कुछ होगा नहीं। आवाम के साथ हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवहाट साहब, सैयद अली अशरफ भाई साहब और हम तमाम सिपाही खड़े हुए हैं, इंशाल्लाह कुछ ऐसा होगा नहीं। महाराष्ट्र सरकार की जमीन है फिर भी उन्हें नोटिस दी जा रही है सर, अगर महाराष्ट्र सरकार की जमीन है तो केंद्र कैसे नोटिस दे सकते? नहीं, उनको देना चाहिए नोटिस, यही बात अभी मंत्री जी ने उनसे कहा कि अगर महाराष्ट्र सरकार की ये 712 की जगह है तो डीआरएम साहब ने कहा है कि हम उसको देखेंगे सर और हम उसको देख करके अच्छा फैसला करेंगे, अच्छा निर्णय लेंगे।
थैंक यू।